just wish he knew. अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हम लोग मौजूद हैं एडी कैटल फार्म के ऊपर और यहाँ की मैं बछड़ियाँ दिखाने वाला हूँ ख़ास तौर पे। वैसे तो कुछ बछड़े भी हैं और बछड़ों का कलेक्शन भी इतनी तादाद में है कि मैं अपना व्लॉग में अगर चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा उस पर व्लॉग भी बना सकता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर बात करेंगे गुलाबी बछड़ियों की। गुलाबी बछड़ियाँ भी हैं, काली अबलग भी जिसके अंदर मौजूद हैं, लाल अबलग भी मौजूद हैं, कुछ देसी बछड़ियों के अंदर चोलिस्तानी बछड़ियाँ भी मौजूद हैं और चीनी बछड़ियाँ भी मौजूद हैं। तो बहुत बड़ा एक बंच है एडी कैटल फार्म के ऊपर और सबसे बड़ी बात प्राइसिंग के अंदर बहुत अच्छी है। आप लोगों को एडी कैटल फार्म की जो प्राइसिंग है वो तमाम दूसरे फार्मर्स के मुकाबले में बछड़ियों में बहुत बेहतर नज़र आने वाली हैं। तो इस व्लॉग को पूरा देखना, व्लॉग देखते ही साथ कॉल ज़रूर करना, विज़िट ज़रूर करना एडी कैटल फार्म जो कि मेमन कोट के अंदर है। खैर, अब मैं इंट्रोडक्शन में यही बता दूँ कि जिस वक्त तक आप ये व्लॉग देखेंगे उस वक्त आधा कलेक्शन जो है वो मेमन कोट में होगा और आधा कलेक्शन जो है जमील मेमन सोसाइटी शिफ्ट कर दिया जाएगा शौकीनों के लिए। तो बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले एडी कैटल फार्म का तमाम कलेक्शन देखते हैं जिसकी मैं उन्हें अभी बात की। उम्मीद है कि उसी के अंदर से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दें। चलें सबसे पहले एक फुल टीज़र हो जाए। Just wish he knew. तो दोस्तों, आप लोगों ने बछड़ियों का और बछड़ों का कलेक्शन देख लिया, यानी कि मेरा फुल आप लोगों ने क्लिप जो है इस फार्म का वो देख लिया। उम्मीद है कि वो पसंद आया होगा। अब बात करेंगे मेरे व्लॉग के उस पार्ट की जिसके अंदर बछड़ियां मैं अलग दिखाता हूँ हमेशा और बछड़े अलग। इसकी वजह है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शौकीन हैं जो कि सिर्फ बछड़ियाँ देखना चाहते हैं, तो वो मेरे उस पार्ट को देख लें कि यार राव ने पहले बछड़ियाँ दिखाई हैं तो पूरी तरीके से ही दिखाएगा, और फिर बछड़े जब दिखाएगा तो फिर भाई बछड़े भी तरह तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर एडी की बात करें तो ऑब्वियसली जब आपने टाइटल देख ही लिया कि एडी कैटल की गुलाबी बछड़ियाँ, तो फिर पहले बछड़ियाँ निकलवा के दिखाऊंगा और फिर बछड़ों की तरफ चलेंगे। Just wish he knew. Just wish he knew.
दोस्तों आप लोगों ने बछड़ियाँ भी देख ली जो कि एडी कैटल फार्म की मैंने दिखाई आप लोगों को, गुलाबी बछड़ियाँ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात बताई थी कि एडी कैटल फार्म मेमन गोट के अंदर मौजूद है। आप लोग नंबर पे जैसे ही इनके व्हाट्सअप करेंगे आपको एक लोकेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोगों ने लोकेशन की वीडियो देखनी है और मेमन गोट पहुँच जाना है। प्राइसिंग के अंदर मैं आपको फिर बताता चलूँ, बहुत सारे फार्मर्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो बछड़ियों में इनकी जो प्राइसिंग होगी वो कदरे बेहतर होगी। इनकी अपनी होम ब्रीड्स मौजूद हैं और ख़ासतौर पर नेक्स्ट ईयर के अंदर अब जो कलेक्शन जिस तरह से दिखाने वाले हैं या जिस तरह से वो पालेंगे और उनके अंदर इनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी बेहतर होगी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इनका ये सीज़न भी अच्छा रहा और आगे भी। खैर ये बातें तो हो गई बछड़ियों के एतबार से, अब बछड़ों की बारी थी तो बछड़े निकलवाते हैं फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो चलें बिना वक्त जाए कि अब जल्दी से बछड़े देखें। Just wish he knew. तो भाई दोस्तों आप लोगों ने एडी कैटल फार्म का ये व्लॉग भी देख लिया जो कि मैंने आप लोगों के लिए सीज़न 2024 में बनाया, जिसके अंदर बछड़ियाँ बछड़े और ख़ासतौर पर फार्म के बारे में मैंने बताया और कलेक्शन की प्राइस टैग के बारे में बताया। उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा लगा होगा और कलेक्शन आप लोगों को ख़ासतौर पर बहुत पसंद आया होगा। अब एंडिंग की तरफ से सिर्फ यही है कि लोकेशन मैंने नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना। शौकीनों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे चैनल के ऊपर अब अपलोड होना शुरू होंगी। इसके अंदर शौकीनों के अपने व्लॉग्स भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो शौकीन फार्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। उम्मीद है कि वो भी पसंद आएंगी। अभी तक यहाँ के लिए साइन आउट करते हैं एडी कैटल फार्म से और आगे के लिए अब 2025 के सीज़न के लिए बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो व्लॉग नेक्स्ट ईयर आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी की इजाज़त दें टीम कैटल ग्रेस को। अल्लाह हाफ़िज़।